Good morning friends, welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 17 दिसंबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 8:17 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा पहले ही दिन फिर से एक बार गैप अप ओपनिंग हुआ, हालांकि कंटिन्यू नहीं हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। एक लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक यहां पर बना है, तो आज के इंट्राडे के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। ये एक पिक्चर है कल का, यानी 16 दिसंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा है, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 12,098 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 12,069। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी एक बार फिर से गैप अप ओपन हुआ, हालांकि ऊपर के लेवल से सस्टेन नहीं हो पाया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव हुआ। तो शुरू में तो यहाँ पर कोई भी ट्रेंड नहीं बनता और दिन भर में इसने फिर एक बार टुवर्ड्स साउथ की तरफ जाने की कोशिश की, ब्रेकडाउन लेवल को पेनेट्रेट किया, ब्रेक नहीं कर पाया। एक बार, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और फिर से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ मूव हुआ, तभी ब्रेकआउट लेवल को भी इसने ब्रेक नहीं किया। एग्जैक्ट यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और टुवर्ड्स साउथ की तरफ मूव हुआ। 3 बजे के बाद इसने ब्रेकडाउन लेवल को ब्रेक किया और फर्स्ट टारगेट हमारा अचीव किया। लेकिन 3 बजे के बाद इंट्राडे ट्रेडिंग इनिशिएट करना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो एज पर प्लान कल भी यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं थी, तो काफी लेवल्स तो काफी एक्यूरेट साबित हुए, लेकिन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर कोई भी नहीं बन रही थी एज पर प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट के पास ही और निफ्टी इंडेक्स ऑलमोस्ट यहाँ पर ही क्लोज हुआ। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार नासडैक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली, 79 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो लगभग सभी अभी हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 30 पॉइंट का बढ़त इस समय हमें दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 21 पॉइंट की इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो अभी पॉजिटिव खबरें हैं, जो कि यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ डील चल रहा है उसमें पॉजिटिव खबरें बाहर निकल के आ रही है, तो इसके ऊपर ये ग्लोबल मार्केट से रिएक्ट कर रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में लास्ट 6 वीक से एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। एक करीब करीब लगभग 300 पॉइंट का रेंज यहां पर बना हुआ है, उसके बीच में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। ऊपर की तरफ ये जो ऑल टाइम हाई लगा है वहां पर ये 100% का फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल आ रहा है। तो 12,130 और नीचे 11,870 ये सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर में ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इसके बीच में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड हो रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर एक्सट्रीम बुलिश है। लॉन्ग टाइम फ्रेम चार्ट की बात कर रहे हैं हम, ये एक्सट्रीम बुलिश है। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में यहां पर अगर आप देखें तो ये जो 3 कैंडल बनी है लास्ट 3 डेज बुलिश कैंडल स्टिक है। गैप अप ओपन होने के बाद ये ऊपर के लेवल पे ही क्लोज हो रहा है, यानी ओपन प्राइस के ऊपर क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पर बुल का जो स्ट्रेंथ है वो काफी जबरदस्त है, बियर से काफी जबरदस्त स्ट्रेंथ था। हालांकि ऑल टाइम हाई के लेवल के पास पहुंचने के बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया। अभी ये जो पैटर्न बना है ये डार्क क्लाउड कवर जैसा पैटर्न है। लॉन्ग बियरिश कैंडल स्टिक यहाँ पर बना हुआ है जिसने हाफ पोर्शन बुल कैंडल का यहाँ पर कवर कर दिया है। तो हो सकता है यहाँ से ये जो करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग है, ये और बढ़े और यहाँ पर ये जो 20 EMA है अभी फिलहाल है यहाँ तक ही है और फिर एक बार बाउंस बैक दिखाए। क्योंकि जब भी अप ट्रेंड आता है तब ये ऐसे चलता है, हायर आए हायर लोज बना के चलता है। अभी यहाँ से ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट करके जो बाउंस बैक दिखाया तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है और फिर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हो सकता है, या फिर यहाँ से ये टूवर्ड्स फिर से नॉर्थ की तरफ ये आगे रैली बढ़ा सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसे पहले तो ऑल टाइम हाई को कम्प्लीटली ब्रेक करना होगा तो ही हमें कन्फर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से अपसाइड रैली कंटिन्यू हो सकती है करके। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में। आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर कुछ गैप्स क्रिएट हुए थे लास्ट 3 डेज में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है।
कल जो गैप क्रिएट हुआ था ओपन होने के बाद ही इसको फिल कर दिया था निफ्टी इंडेक्स ने, तो अभी दो गैप्स यहाँ पर बचे हुए हैं। तो अगर निफ्टी इंडेक्स ऑर्बिट टूवर्ड साउथ की तरफ आता है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से बढ़ती है, करेक्शन बढ़ता है, तो ये जो गैप क्रिएट हुआ है इसका जो ये यहाँ पर कल का ये इनिशियल पॉइंट था यानी 12,023, इसके नीचे S1 का पिवट पॉइंट का लेवल है। तो 20 EM में ये गैप का ये जो इनिशियल पॉइंट है और S1 का ये पिवट पॉइंट है, ये तीनों को अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,004, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का S2 का लेवल जो कि 11,989 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और टूवर्ड्स अगर नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो ये जो पिवट पॉइंट का लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी देर तक इस लेवल को कल ये पेनिट्रेट कर रहा था जहाँ पर हमारा ब्रेकडाउन का लेवल था, तो 12,078 आज हमारा ब्रेकआउट का लेवल होगा और फर्स्ट टारगेट तभी हमारा होगा 12,096, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 12,110, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।